सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ये देश अपने यहाँ से एक पार्टिसिपेंट को भेज रहा है जिनका नाम है रूमी अलकाहतानी। इस्लामिक देश होने की वजह से अभी तक सऊदी अरब ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेता था। 27 साल की मॉडल रूमी अलकाहतानी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में वो देश की पहली प्रतिभागी होंगी। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन है ये 27 साल की सऊदी अरब की मॉडल रूमी अलकाहतानी। द खलीज टाइम्स और ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है कि सऊदी अरब मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली रूमी अलकाहतानी सऊदी अरब की मॉडल के तौर पर जानी जाती हैं। अलकाहतानी सऊदी की राजधानी रियाद की रहने वाली हैं। ये अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती रहती हैं। कुछ हफ्ते पहले मलेशिया में आयोजित मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन में भी अलकाहतानी ने हिस्सा लिया था। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूमी अलकाहतानी ने कहा, मैं विश्व की संस्कृतियों के बारे में जानना चाहती हूं और सऊदी की संस्कृति को दुनिया में पहचान दिलाना चाहती हूं। मिस सऊदी अरब का ताज पहनने के अलावा अलकाहतानी के पास मिस मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमेन सऊदी अरब का खिताब भी है। रूमी अलकाहतानी के इंस्टाग्राम पर 10 लाख और एक्स पर लगभग 2000 फॉलोअर्स हैं। अलकाहतानी मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से भाग लेने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है। अलकाहतानी ने एक पोस्ट में कहा, मलेशिया में आयोजित मिस एशिया इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में मॉडर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा पहले होता था अब वैसा नहीं रहा है। इसको लेकर देश में कई तरह के परिवर्तन नजर आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं को लेकर हाल के सालों में कई तरह की छूट दी है। हाल ही में सऊदी अरब में शराब की बिक्री को भी शर्तों के साथ लीगल किया गया है। फिलहाल ये खबर सुनने के बाद लोगों के भी रिएक्शन आना शुरू हुए हैं। एक यूजर ने लिखा है सोशल मीडिया पर, अब और कंट्रीज के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा जीतना। वहीं अलग अलग यूजर ने लिखा अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक और यूजर ने लिखा जहन्नम में जाने की तैयारी। एक और यूजर ने लिखा सऊदी बड़े आराम से अपने कल्चर को खत्म कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा बिग चेंज इन सऊदी। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।